खरगोन जिले के रावरखेड़ी स्थित राष्ट्रीय धरोहर बाजीराव पेशवा समाधि स्थल के पीछे मिट्टी और बालू रेत का अवैध उत्खनन करते ग्रामीणों की शिकायत पर बेड़िया पुलिस ने बीती रात को दो डंपर और एक पॉकलेन मशीन को जब्त किया। ग्रामीणों ने एसपी सुनील पांडे को अवैध उत्खनन की शिकायत मोबाइल पर की थी। बेड़िया पुलिस को देखकर पॉकलेन मशीन का ऑपरेटर भागा और दो डंपर को छोड़कर आरोपी भाग गए। पुलिस ने मौके से पॉकलेन मशीन सहित दो डंपर जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि सारथी कंपनी द्वारा पॉकलेन मशीन से मिट्टी का खनन कराया जा रहा था। टीआई राम सिंह मेड़ा ने बताया कि सूचना मिली थी तो अवैध उत्खनन बाजीराव पेशवा समाधि स्थल के पास हो रहा है। चार डंपर है लेकिन मौके पर दो डंपर और एक मशीन पाई गई। दो डंपरों को थाना लाया गया। जिस मशीन पर डंपर खड़े थे उसकी जांच तहसीलदार महोदय कर रहे हैं। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। सर, कल जो पेशवा समाधि पे रात्रि में क्या कार्रवाई? सर, वहाँ पे पुलिस कंट्रोल रूम खरगोन से मुझे खबर मिली थी कि रात में कोई मिट्टी उट्टी भर रहे हैं, ऐसा जानकारी मिली थी। रात में पुलिस भेजी थी तो वहाँ पे एक दो डंपर मिले थे। उन डंपरों को हमारी पुलिस लाई लेकिन वो खाली थे। ऐसी जानकारी मिली थी कि वहाँ चार डंपर थे लेकिन पुलिस गई तब तक दो डंपर वहाँ नहीं थे। उस जमीन के बारे में तहसीलदार साहब से बात हुई है। तहसीलदार साहब जाँच करवा रहे हैं जो डंपर जो भर रहे थे मिट्टी वो कहाँ से किसकी ज़मीन है उसकी जाँच चल रही है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि बाजीराव पेशवा के पास से ही खोजी जा रही थी लेकिन ऐसा नहीं पाया गया है। उसके बाद भी जांच चल रही है। मशीन जब्त किया नहीं? हाँ, मशीन वाला छोड़ के रात में भग गया था, फिर रात में पानी गिर गया और शायद रात में वो ले गया है लेकिन वो पता लग जाएगा, जाँच में पता लग जाएगा किसकी थी। सारथी कंपनी का काम चल रहा है जो सेल्दा प्लांट में, उन्हीं की है मशीन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।